वाले एक पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उसने पात्र होते हुए भी उसे अपात्र दर्शाए जाने की शिकायत की है। जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े इस युवक का नाम नीलेश कुमार पुत्र राज बहादुर सिंह निवासी चेतन तहसील किसनी है। इस पीड़ित ने यहाँ जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के कार्यालय पर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें इसने बताया कि 15 अक्टूबर वर्ष 2002 को खुली बैठक में कर भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति होने के कारण भूमि आवंटित की गई थी, जो कि वर्तमान लेखपाल नीरज के द्वारा 22 दिसंबर 2020 को अधिक भूमि बताकर अपात्र की आख्या लगा दी गई है, जबकि वर्तमान में इसकी आख्या में 15 बीघा से अधिक भूमि वाले पात्र दर्शाए गए हैं। जबकि वर्तमान लेखपाल से पीड़ित द्वारा कई बार संपर्क किया गया और अपनी भूमि के बारे में जानकारी ली गई, तो लेखपाल ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि उनको जो करना था वे उन्होंने कर दिया, अब तुमको जो करना है वह तुम कर सकते हो। पीड़ित ने लेखपाल पर खुद को पात्र होते हुए भी अपात्र दर्शाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जाँच कर पात्र भूमि दिए जाने की मांग जिलाधिकारी से की है। जिलाधिकारी कार्यालय क्या समस्या है? हमारे पिताजी के नाम भूमि 15 बीघे से अधिक नहीं है, लेकिन लेखपाल धीरज कुमार के द्वारा अधिक दर्शाई गई है, इसमें कि हम जांच करा के अपना सरकार जो हमारी एक भी विशेष ज़्यादा जमीन निकलती है तो हमारी नष्ट कर दी जाए, और नहीं तो हमारा जो पट्टा है वो बाल करके चढ़वा दिया जाए।